सीआईडी ने एक बार फिर कोलकाता में छापा मारकर नोटों का अंबार बरामद किया है। यह ऑपरेशन सोमवार रात सेंट्रल कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में चलाया गया। छापेमारी में 60 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है। छापेमारी में बरामद इतनी बड़ी रकम देखकर पुलिस के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार को काफी दिनों से यह खबर मिल रही थी कि बड़ा बाजार और पोस्ता इलाके में बड़ी मात्रा में कैश रुपये की स्मगलिंग की जा रही है। जल्दी यह खबर सीआईडी डिपार्टमेंट और एंटी राउडी सेक्शन यानी एआरएस के अफसरों तक पहुंच गई। उसी की बुनियाद पर सीआईडी और एआरएस ने बड़ा बाजार और पोस्ता के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। सोमवार शाम करीब 5 बजे विष्णुपद ऐश नामी एक आदमी को 9,37,500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। फिर एक एक कर विजय शर्मा, प्रदीप चक्रवर्ती, झंटू नश्कर, संदीप ठाकुर को रुपयों के ढेर के साथ पकड़ा गया। पुलिस सूत्र के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से कुल 59,76,200 रुपए बरामद हुए हैं। इतनी बड़ी रकम उनके पास कैसे आई और उसे लेकर वो लोग कहां जा रहे थे, इस सवाल का गिरफ्तार लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। एआरएस के अफसरों का मानना है कि बरामद की गई तमाम रकम हवाला का है जिसकी स्मगलिंग की जा रही थी। कोलकाता पुलिस इस बारे में पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी। इसके साथ ही हवाला की गद्दियों का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है जहां से बड़ी मात्रा में रकम देश और विदेशों में भेजी जाती है। 60 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार 9 लोगों से पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास इतने पैसे कहां से आए, ये रुपया कहां ले जाया जा रहा था, इन रुपयों को कहां खर्च किया जाना था, स्मगलिंग के इस पूरे रैकेट के पीछे किसका हाथ है और लाखों करोड़ों रुपए कैश की स्मगलिंग करने वाले गिरोह का बॉस कौन है। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी 9 लोगों से बारी बारी से पूछताछ कर रही है। कोलकाता के बड़ा बाजार और पोस्ता इलाके में नोटों का अंबार बरामद होने की यह पहली घटना नहीं है। पुलिस कई बार यहां छापेमारी कर बड़ी मात्रा में गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा रुपया जब्त कर चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस इलाके से पूरे भारत में हवाला कारोबार का रैकेट चलता है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में ही बड़ा बाजार के दिगंबर जैन मंदिर रोड के पास पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 50 लाख रुपया कैश बरामद किया था। वो दोनों भी ये नहीं बता पाए थे कि रुपया कहां से आया है और वो उसे कहां ले जा रहे थे। उस वक्त भी पुलिस ने कहा था कि रुपया हवाला का रुपया है, लेकिन हवाला रैकेट के किसी भी व्यक्ति को आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सिर्फ जांच की बात ही की जाती है।